2024 में लोकसभा चुनाव का आगाज यानी चुनाव होना है लोकसभा में, बीजेपी ने एक फॉर्मूला तय किया कि अब लोकसभा का जो टिकट जिनका 1955 के बाद जन्मे नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा, यानी इस नियम के आधार पर 81 सांसदों का पत्ता साफ। डिटेल बता रहे हैं कि फैसला लिया गया कि जिनका जन्म 1956 के पहले अगर हुआ है तो उनको 2024 में वैसे एमपी को टिकट नहीं दिया जाएगा। और यह भी नियम लागू हुआ कि जो बीजेपी के मौजूदा 301 सांसदों में 81 एमपी का टिकट नहीं मिलेगा, केवल एक दो अपवादों को छोड़कर ही आपके एमपी का टिकट दिया जाएगा, यानी कि 70 साल से ऊपर वाले को किसी को भी मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाएगा। बीजेपी का एक बहुत बड़ा फैसला। और बताते चलते हैं कि अगर नेताओं की बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नेताओं का जो पत्ता साफ होने वाला है, ये हेमा मालिनी, सदानंद गौड़ा, राधा ये राव साहब दानवे, बीके सिंह, अश्वनी चौबे, एसएस अहुवलिया और रीता बांगुणा जोशी, रतन लाल कटारिया, किरण खेर, अर्जुन राम मेघवाल और श्रीपद नायक के साथ साथ सीआर पाटिल, रविशंकर प्रसाद, राव इंद्रजीत सिंह, गिरिराज सिंह का भी पत्ता साफ होगा इस बार, राधा मोहन सिंह और आर के सिंह चर्चित आदमी का भी, और सतपाल सिंह। हम चाहेंगे कि जिस तरह बीजेपी का जो फॉर्मूला तय हुआ, यही अगर फॉर्मूला अन्य पार्टियों में हो जाएगा तो अब लोकसभा में आएंगे नए चेहरे, नया चेहरा, नया लोकसभा, बस इंतजार है। जय हिंद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।